जय हिंद बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास एलेवंथ का टर्म वन एग्जामिनेशन 2022 पेपर वन इंग्लिश कोर एमसीक्यू टाइप आर्ट्स का लेकर आया हूँ आंसर की। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कुछ पैसेज दिए गए हैं, उसका आंसर हमको लिखना है। करो लैंग्वेज इज द वंडरफुल गिवन टू, मतलब भाषा एक खूबसूरत उपहार है किसके लिए, तो मैन एक नंबर आएगा। व्हेन रैबिट सी एन एनिमेट, जब खरगोश एक दुश्मन को देखता है तो क्या करता है, बूप्स इट्स टेल अप एंड डाउन, अपना पूछ को ऊपर नीचे करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बार्क व्हेन स्ट्रेंज कम नियर, मतलब एक जानवर जो है भौंकने लगता है जब कोई अनजान आता है, तो कौन, कुत्ता, डॉग। नो एनिमल पसेस द गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज, व्हेन द बी सी फूड इट कम्युनिकेटिव टू अदर बेबी बीज बाय क्या करने लगते हैं, डांसिंग। इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स, इसका मतलब होता है वार्न, चेतावनी। इफ आई वेयर यू ए वुड नॉट बी डू इट, एक नंबर आएगा। नेक्स्ट है, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे तैर सकता हूँ। सुप्रिया, इसका सुप्रिया हैज बिन प्लेइंग फॉर ओवर एन आवर्स, मतलब सुप्रिया एक घंटे से ऊपर से खेलते आ रही है। सचिन नेवर टेल्स ए लाई, मतलब सचिन कभी झूठ नहीं बोलता है। कविता इज द बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास, मतलब कविता अपने क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसका आएगा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब प्रत्येक दिन खाने से वह डॉक्टर से दूर रखता है, मतलब इसका दो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ए फ्रेंड, हमारे पास एक मित्र है, हु इज ए फेमस जिमनास्ट, जो कि एक प्रसिद्ध जिमनास्ट है। तो इसमें ए जो क्वेश्चन हमारा आईएससी में भी फर्स्ट पाली में पूछा गया था, इसका आंसर होगा टू। आई नीड सम वाटर, दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल, यानी किसमें दिस आएगा। श्याम बॉट ए बुक एंड एन इंकपॉट, यह भी क्वेश्चन हमारा प्रथम पाली में पूछा गया था आईएससी में, इसमें एन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस देखिए, इसमें बाय दिया हुआ है, बाय दिया हुआ बाय, मतलब पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग है, इसमें नहीं दिया हुआ, मतलब दो नंबर इसका आएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस, ए फ्लोरिस्ट सेल फ्लावर्स एंड फ्लावर्स आर बर्थ इसका सोल्ड बाय ए फ्लोरिस्ट, इसका दो नंबर आएगा। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 to 20, इसमें होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, यानी कि एक नंबर इसका आएगा। 20 है इसमें, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, यानी कि इसका नंबर एक आएगा। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडीज इज रिटन बाय, ए भी हमारा आईएससी में पूछा गया था मॉर्निंग में, इसका वो खुशवंत सिंह। व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, इसका होगा दैट सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रीटी। नेक्स्ट है, व्हाट यू टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, इसका आगे इट वॉज द टाइम व्हेन सी फेड ए स्प्रे। व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग इन ग्रैंड मदर लाइफ इन सिटी, स्प्रे, गोरैया। गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर सेफरिंग स्किल। 200 ईयर एगो राउंड द वर्ल्ड वॉयज वॉज मेड बाय द कैप्टन जेम्स कुक, इसका आएगा। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द गॉर्डन कुक्स बोट, वेब वेकर। नेक्स्ट है, गॉर्डन कुक स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम, कहाँ से शुरू किया था, तो प्लेमाउथ। द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट सोर्स ऑफ वाटर, व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, क्लीनिस्ट इट ब्यूटिफाइड इट, मतलब बोथ वन एंड टू, इसका थर्ड होगा। इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, मतलब यह जो कविता है द वॉइस ऑफ रेन, मतलब वर्षा की आवाज़ में विदाउट रेन, बिना वर्षा के सीड्स क्या है, हिडन, मतलब छिपे रहेंगे और जन्म नहीं लेंगे, ये भी हमारा आईसी में पूछा गया था, हिडन एंड अनबोर्न। इन विच सेंचुरी डिड डब्ल्यू यू डोजी लिव, तो 760 से कुछ था। नेक्स्ट है, क्विंटन मैस्ट्री वाज ए ब्लैक स्मिथ, सेंचुरी लिटरेचर मीन्स माउंटेन वाटर, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, तो जॉन ब्यूरो। एट व्हाट
टाइम डिड आराम एंड मोरार्ड राइड द हॉर्स अर्ली मॉर्निंग. मिसेज डॉर्लिंग लिव्ड 8 नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. नेक्स्ट है, हु वॉज मिसेज डॉर्लिंग. सी वॉज एन इक्विपमेंट ऑफ नरेटर्स मदर. व्हाट वॉज द नेम ऑफ द नीस ऑफ रामाराव रत्ना. द नेम ऑफ विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगस मैरिज इज गंडा भाटा. ये भी हमारा आईसी का क्वेश्चन पूछा गया था. थैंक यू.